कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स आप सभी तो का स्वागत है हमारे से ना मेरे लाडू कट बहुत पे तो देखिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी इजी वे में हम ड्रेस लेके आए हैं बनाना भी आसान है पहनाना भी आसान है झटपट बना लेंगे चलिए आपको पहले पहना कर दिखाती हूँ तो देखिए इस तरह से चोली बनाइए क्रॉस करके इसको पीछे के साइड घेर को पूरा नीचे से हाथों के साइड से निकालते हुए डोरी की मदद से बांधेंगे इतना ही बांधेंगे जितने लाडू गोपाल जी को ज़्यादा कष्ट ना हो इजीली बन जाएगी देखिए और घेर को आप सेट कर सकते हैं सेट करने के बाद इसको पिनअप कर दे पीछे के बैक साइड कर सकते हैं पूरा घेर तो सर्कल में पूरा घेर आ जाएगा और इसके साथ मैचिंग पगड़ी भी बनाई है हमने तो वो भी पहना के दिखाती हूँ तो जैसे गंगा दशहरा और एकादशी आने वाली है उस समय आप लाडू गोपाल जी को येलो कलर की ड्रेस ज़रूर बनाकर पहनाएं और गंगा दशहरा वाले दिन कलर दूसरा ले सकते हैं ठीक है थीके? तो देखिए हमने चौड़ाई ली है चार इंच लंबाई ली है तैतीस इंच ठीक है आपको जितना है ना आपको प्लेट्स चाहिए मतलब जितना घेर चाहिए ना उतनी हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं तो दो नंबर लाडू गोपाल जी के लिए तैंतीस इंच लंबाई काफ़ी रहेगी तो मैंने इतनी लिए तीनों साइड से इसको फोल्ड करके एक एक बार और इस्टिच कर लेंगे देखिए आपने ऐसा कपड़ा लिया है फैब्रिक ऐसा लिया है जिसमें धागे रेशे वगैरह ज़्यादा निकले तो उसको डबल फोल्ड करके भी इस्टिच कर सकते हैं देखिए थोड़ा सा है ना थिक है कपड़ा तो इसलिए इसमें रेशे वगैरह नहीं निकलेंगे और कॉटन का फैब्रिक है ना तो इस, इसलिए मैं सिंगल ही फोल्ड करके स्टिच कर, कर लूँगी तीनों साइड से इक्वल हम स्टिच कर लेंगे जिससे हमारा ये लॉक हो जाए कपड़ा और हम इजीली लालू गोपाल जी के लिए इससे ड्रेस बना सकें देखिए सीधी पट्टी तैयार कर लेंगे पहले हम और फिर उससे ही ड्रेस बनाएंगे तो इजी होता है हमें ड्रेस बनाना अगर सीधी पट्टी तैयार हो जाती है तो देखिए इसको बिल्कुल इक्वल करके हम स्टिच करेंगे तो मैं आपको छोटी बड़ी सारी चीज़ें समझाती रहती हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो मेरे से भी बताने में और आपको बनाने में तो देखिए स्टिच करते समय देखिए लास्ट तक आ गए हम एक बार इसको भी फोल्ड कर देंगे और यहाँ से सुई को अटका लेंगे फ्रेंड पूरा स्टिच कर लेंगे लास्ट तक हमने स्टिच कर लिया इसको अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे देखिए जब हम गेर वाली ड्रेस बनाते हैं उसमें इस तरह की सीधी पट्टी की ड्रेस बनाने के लिए हमें सीधी पट्टी तैयार करनी होती है तो इस तरह से देखिए इजीली हमने बना लिया इस पर आप अपनी मर्जी से उसमें लेस वगैरह लगा सकते हैं तो मेरे पास समोसे वाली लेस है इसको तिको ना देखिए तीनों साइड से मैं लगाने वाली हूँ तो एक साइड से इस तरह लगाया और कोने को इस तरह से बिठा लेंगे देखिए इस पर सुई अटका लेंगे फोल्ड करके थोड़ा सा और फिर नीचे से लगाते हुए आएंगे और एक साइड और लगा लेंगे तो तीनों साइड आपकी इच्छा है अगर तीनों साइड लगाना चाहे लेस वगैरह तो आप लगा सकते हैं हैवी लेस भी लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी हैवी ड्रेस चाहिए आपको तो और अगर आप चाहें ना इसी लेस को दो बार करके भी लगा सकते हैं उससे भी लुक वाइज अच्छा आता है तो देखिए समर चल रहा है समर में लड्डू गोपाल को ज़्यादा हैवी ड्रेस तो मैं बनाती नहीं हूँ तो इसलिए एकादशी के लिए ड्रेस बना रही हूँ मैं तो निचला एकादशी आ रही है उस समय आप लाडू गोपाल जी को इस तरह की येलो कलर की ड्रेस ज़रूर पहनाएं तो इजीली मैं आपको बनाना बता रही हूँ ताकि आप एकादशी के दिन इजीली फटाफट ये ड्रेस बना सकते हैं और नई ड्रेस लाडू गोपाल जी को धारण कर सकते हैं अगर आप युगल सक्रा सरकार रखते हैं राधा कृष्ण को रखते हैं उनको भी बनाकर इस तरह की ड्रेस पहना सकते हैं बहुत ही झटपट बन जाती है और घर में रखे सामान से इजीली बन जाती है बस आपको तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होगी इसमें फैब्रिक की लेस की और डोरी वगैरह की ठीक है तो इससे जल्दी से बन जाती है ड्रेस तो यह पट्टी हमने तैयार कर ली है ज़्यादा हैवी लुक नहीं दूंगी मैं एक ही बार लगानी थी मेरे को बस एक ही बार लगाऊंगी अब देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लें और हो सके तो येलो कलर ही लें क्योंकि एकादशी के दिन येलो पहनाना जरूरी होता है लाडू हो तो येलो कलर ही लें देखिए इस तरह करके इक्वल करके हमें प्लेट्स डालनी होगी एक पेक चढ़ाते हुए डालेंगे और ज़्यादा चौड़ी हमें नहीं डालनी ना पतली डालनी है मीडियम साइज़ की हम प्लेट्स डालेंगे इसमें एक एक करके डाल सकते हैं आप अगर बिकना है तो और नहीं तो दो दो तीन तीन एक साथ करके भी डाल सकते हैं मैं आपको एक एक करके ही बता रही हूँ ताकि इजीली सबको समझ में आ जाए और पाँच छः करके भी आप डाल सकते हैं देखिए इस तरह से दो तीन दो तीन करके या पाँच छः करके इस तरह से डाल दें उंगलियों की सहायता से पकड़ लेंगे ताकि हम स्टिच कर सकें तो वो इक्वल रहे देखिए नीचे से हम फेब्रिक को कट नहीं कर सकते तो आप नीचे से ही इक्वल रखना और ऊपर से है ना इसको छोटा बड़ा हो जाए तो वो कट हो जाएगा पर नीचे से हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है फैब्रिक को लेस वगैरह लगा कर तो इसलिए नीचे से इक्वल ही रहना चाहिए क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी घेर आप लाडू गोपाल जी को पहनाएंगे तो वो छोटा बड़ा दिखेगा पूरा सर्कल में इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ड्रेस येगे ताकि कोई भी गलती हमसे ना हो सके तो इसलिए देखिए हमने पूरी प्लेट्स को इक्वल करके डाल लिया है और लास्ट की ये प्लेट्स भी डाल देंगे इस तरह से दल जाएगी और पूरा इकट्ठा होने के बाद कितना है मैं आपको मेजरमेंट भी बता दूँगी तो दो नंबर लाडू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ दो नंबर आराम से लाडू गोपाल जी राधा रानी को आराम से ये ड्रेस आ जाएगी देखिए इकट्ठा होने के बाद ये साढ़े चार रुपये आ गया और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपको जितना लाडू गोपाल जी के हिसाब से ले सकते हैं जितना चाहिए होगा अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक इकट्ठा हुआ है धागे इकट्ठे हुए हैं उसको कट करके हटा देंगे ताकि हम जब इस पर कमर पट्टी लगाएं तो फोल्ड करते समय डिफिकल्टी नहीं हो में तो कमर पट्टी के लिए मेजरमेंट मैं आपको बताती दूँ तीन इंच चौड़ाई लिए लंबाई देखिए हमारे हिसाब से लेंगे उसमें कट कर देंगे एक्स्ट्रा को एक बार फोल्ड करेंगे दूसरी बार फोल्ड करके इसे बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे देखिए उल्टी साइड से हम लगाना शुरू करेंगे और ध्यान यही रखना है कि तीनों को फैब्रिक को एक साथ जॉइन करके स्टिच करना है और प्लेट्स जो दली हुई है उसको फोल्ड होने नहीं देना है क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम कमर पट्टी लगाते समय ये ध्यान निकल जाता है ध्यान से और नीचे की प्लेट्स फोल्ड हो जाती है फिर वो क्या है बाद में आप सीधे साइड पलटोगे ना तो वो प्लेट्स दिखेगी इसलिए वो थोड़ा सा ध्यान रखना देखिए एक साइड हमने फोल्ड कर दिया है और दूसरी साइड थोड़ा सा फैब्रिक लग लेंगे एक्स्ट्रा जैसे हम इस साइड भी फोल्ड करके लेंगे अब जो ये फैब्रिक इकट्ठा हुआ है उसको भी थोड़ा सा कट कर देंगे नहीं तो थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाएगा और फिर हम डोरी लगाएंगे तो ईजिली लगेगी नहीं तो इस तरह से थोड़ा सा और कट कर देंगे कट करने के बाद देखिए हम डोरी तैयार कर रखिए टसल लगा कर फैब्रिक छोटे छोटे लगा कर मैंने डोरी तैयार कर रखी है इस तरह से ईजीली आप पलट सकते हैं देखिए इस तरह से डोरी को बीच में करेंगे और इस तरह से पलट के और हमारी कमर पट्टी लग जाएगी और डोरी भी लग जाएगी इसके साथ आ तो बहुत ही इजीली हमारा घेर तैयार हो गया देखिए झटपट मैंने आपको बनाना बताया मिस्टेक जो होती है हो, वो भी मैं बता देती हूँ साथ ही साथ ताकि आपको भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो बनाते समय और देखिए डोरी पे से बस सिलाई नहीं लगानी है ये एक बात का ध्यान रखना होता है इसमें तो हमारा घेर तो जट पर तैयार हो गया आप लहंगा ड्रेस भी इस तरह की बना सकते हैं अपने छोटे छोटे लाडू गोपाल जी के लिए सेम टू सेम ऐसे ही बनता है देखिए कितना तो सुंदर सा हमारा ये लहंगा तैयार हो गया है इसको घेर भी कह सकते हैं आप चोली तैयार कर लेते हैं चोली तैयार करने के लिए चौड़ाई ली है तीन इंच और लंबाई ली है मैंने साढ़े नौ रखिए आप आठ भी रख सकते हैं और मैंने यहाँ पे आठ कर दिए उसको क्योंकि लंबी हो जाएगी चोली साढ़े नौ तक तो आप इस फैब्रिक में से कट कर लेंगे एक बार फोल्ड करेंगे कर फिर एक और बार फोल्ड करेंगे कर फिर बीच में इकट्ठा करके फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे अगर आप बिगना रहे तो एक बार स्टिच कर लें इसको इस पट्टी को तैयार कर लें फिर आप इस पर लेस लगा सकते हैं और आप साथ साथ भी लेस लगा सकते हैं देखिए मैं आपको स्टिच करके बता रही हूँ इस तरह से इजीली हो जाएगा और अगर आपने कपड़े का फैब्रिक दूसरी तरीका लिया उस पर स्टिच पहले लगा लिया फिर आप लेस वगैरह लगा सकते हैं तो यही लेस हम लगाने वाले हैं इस पर तो थोड़ी सी अंदर करके लगाएंगे ताकि फैब्रिक दिखेगा तो बहुत सुंदर लगेगा तो इस तरह से पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे देखिए हमने गेर तैयार कर लिया है अब हम चोले के लिए पट्टी तैयार कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी पट्टी है और छोटा गेयर पट्टी वाली ड्रेस कहलाएगी देखिए क्योंकि इसके लिए ऐसे कि ऐसी हमें है ना मुकुट के लिए भी पट्टी तैयार करेंगे वो भी मैं आपको पूरा बता दूंगी ताकि पूरी ड्रेस ही कंप्लीट है हम एकादशी पर पूरा लुक हमारे लालू गोपाल जी का शेयर करते हैं कम्युनिटी पोस्ट डालती रहती हूँ मैं रोज़ाना की आप चेक जरूर करना अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और नहीं हैं नए देख रहे हैं हमारी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना देखिए ये पट्टी को फोल्ड कर लेंगे इक्वल ही इसको कट कर देंगे एक पे एक चढ़ाते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे देखिए कि इस तरह से स्टिच कर लेंगे एक पे रख के एक पट्टी को और इतना ही स्टिच करें जितना आप अपनी लाडू गोपाल जी की पुरानी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी ड्रेस बना सकते हैं तो उनका मेजरमेंट ले लें ले ले लाडू गोपाल जी को उसके अनुसार आप कट करके बना सकते हैं देखिए हमारी ये पट्टी चोली के लिए तैयार हो चुकी है हमने इस तरह की चोली तैयार कर ली है एक्स्ट्रा को कट कर देंगे अब इसको घेर के साथ हम अटैच कर देंगे किस तरह से करना है देखिए घेर को ले लेंगे ले 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 और उस पर मार्क कर देंगे इस तरह से एक बार ज्वाइन कर लेंगे और उसको बीच में मार्क कर देंगे अब इस पर हम लेस भी लगा देंगे और चोली भी लगा देंगे दोनों एक साथ ही लगा देंगे और अगर आपसे नहीं अगर तो ये पहले चोली अटैच कर दे फिर उसके बाद आप लेस लगा सकते हैं तो झटपट ये देखिए हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद ड्रेस तो मैंने आपको इस तरह की ड्रेस बनाना लगभग बता ही चुकी हूँ तो इसलिए इसी लेती है ड्रेस पहनाने के लिए कि हमें कभी वार त्यौहार पर नई नई ड्रेसें चाहिए होती है तो फैब्रिक और लेस वगैरह हमारे पास घर में रहता ही है तो हम इजीली अपने घर पे बनाकर अपने लाडू गोपाल जी को राधा रानी को नए टाइम में नई ड्रेसें पहना सकते हैं जैसे एकादशी हो गई बड़े बड़े त्यौहार उत्सव चल रहे हैं जैसे इक्कीस दिन की चंदन यात्रा चल रही उस दौरान भी हम अलग अलग तरह की लाडू गोपाल जी को ड्रेस पहनाकर उनका श्रृंगार करके उनके अच्छे अच्छी फोटो वगैरह खींच सकते हैं रील बना सकते हैं तो देखिए हमारी ये ड्रेस तैयार हो गई है कंप्लीट हो गई है मुकुट तैयार कर लेंगे तो तीन इंच चौड़ाई और नौ इंच लंबाई की हमने पट्टी ले ली है इसको भी हमें बिल्कुल सेम टू सेम चोली तैयार करनी है उसी तरह तैयार करनी है और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मेरे को कम लग रही थी तो थोड़ी थो सी और खोल ली मैंने इसी तरह की पट्टी तैयार कर लेंगे और इस पर लेस लगा लेंगे और इसको सुई धागे से हम स्टिच करेंगे लालू गोपाल जी के सर के माप लेके तो इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर आपको वीडियो में बताई हुई कोई भी चीज़ अच्छी लगी है सिखाई भी तो कमेंट जरूर करना और किसी को ज़रूरत हो तो उसको शेयर ज़रूर कर देना बहुत सारे लोगों से सरल और ईजी ड्रेस से बनाना अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना ताकि हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलता है नई ड्रेस बनाने के लिए तो देखिए इजीली ड्रेस बनने वाली है तैयार हो जाएगी और अगर आपको और कोई ड्रेस चाहिए होगी मेरे से अलग अलग तरीके की तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और मेजरमेंट भी चाहिए होगा तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगी देखिए इसी तरह से फोल्ड करेंगे क्रॉस में और लालू गोपाल जी का सर का नाप ले लेंगे और इसको दोनों साइड को पीछे के बैक साइड ला सुई धागे की मदद से स्टिच कर देंगे बस हमारा ये मुकुट भी तैयार हो चुका है कभी कभी ये होता है कि समर में ज़्यादा हैवी मुकुट लगाने की इच्छा नहीं होती है देखिए हमें भी नहीं होती है। हैवी ड्रेस हैवी चीज़ें लेने की तो लाडू गोपाल जी को भी उन्हीं के लुक के हिसाब से समर और विंटर के हिसाब से ही ड्रेसें पहनाएं और उनका श्रृंगार भी हिसाब से, से करें इस तरह से मुकुट बनाकर आप इजीली पहना सकते हैं देखिए ड्रेस अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शुरुआत में अगर लाडू गोपाल जी को आपने देखा नहीं है पहनाते हुए तो स्किप किया है तो पहने हुए लाडू गोपाल जी को ज़रूर देखना इस ड्रेस की शोभा बढ़ गई हमारे लाडू गोपाल जी ने इसको धारण कर लिया है बहुत ही सुंदर से प्यारे से लग रहे हैं हमारे लाडू गोपाल जी आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना शेयरों को शेयर ज़रूर करना फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे